अस्सलाम वालेकुम, साईमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं मुंबई बिरयानी बना रही हूँ। इसके लिए दो प्याज काट के हूँ, चार चिल्ली लेकर हूँ, चार टमाटर लेकर हूँ, पांच आलू काट के मोटे मोटे पीस पानी में डालकर हूँ, ये 700 ग्राम चिकन लेकर हूँ, 700 ग्राम चिकन है, ये चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर लेकर हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो भी प्रोसेस है मैं आगे बताऊंगी। अब इसमें आयरन डाल रही हूँ। अब पटेटो ऐड कर रही हूँ। आनियन डालकर इसमें आनियन फ्राई करकर बाद में अच्छा बन जाने तक फिर से हिलाएंगे। लेग पीस से लेके हूँ, अब जो चाहे चिकन में ले सकते हैं पीसेस। इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक, इसका पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा पकने देंगे। थोड़ी मेथी की भजी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा पुदीना ऐड कर रही हूँ। एक कटोरी दही ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा पकने देते हैं। इसमें जो पटाटा तल के थे, फ्राई करे थे, वो पटाटा भी ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी ऐड करके पकने देते हैं 2 मिनट्स तक। इधर बिरयानी का पानी कर रखी हूँ चावल डालने के लिए, चावल बॉईल करने के लिए। सिनेमन स्टिक, लौंग, चकला, इलायची डालकर हूँ। ये पानी पकने टाइम इसमें राइस ऐड करेंगे, बासमती राइस, 700 ग्राम बासमती राइस धोकर भिगा कर हूँ आधा घंटा पहले। अब इसमें ऐड करेंगे।
चिकन हाफ कुक हो चुका है, 70% चिकन गल चुका है, अभी 70% चावल इसमें शोरबा है, इसलिए मैं जल्दी चावल ऐड कर रही हूँ। इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ और ये जो जायफल जायफल का पाउडर था ये भी इसको ऐड कर रही हूँ। पुदीना मेथी की भाजी है पत्ते ये भी ऐड डाल रही हूँ। डन हो चुकी है, अब इसे डिश आउट कर रही हूँ। देखो कितना खिला खिला है चावल, बहुत टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी बनी है, इसके खुशबू से ही मालूम हो रहा है कितनी टेस्ट है। बना रही है बिरयानी, हर तरीके से बनाते हैं, ये बॉम्बे बिरयानी है। इस तरीके से बनाकर देखिए, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।